Which filter was that? This one? Yeah, this is also interesting. Let's speak to who? Let's speak to who? Let's speak to आवाज कम करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मेरी आज की फास्ट हो गई यार। हाय इमरान, आवाज हाय कम कर दो यार। भाई आवाज कम करो, उससे कहो। हाँ कर रहे हैं यार, ये तो इमरान ही है। कैसे हैं आप? हाय इमरान, आप कौन हैं? मैं मेरे फ्रेंड के साथ हूँ, सभी आपको हेलो बोल रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंडिया से हूँ लेकिन मैं कनाडा में रह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता, अमृता। सो अच्छा, आप कहाँ से हैं इंडिया से? इंडिया पंजाब से हूँ। अच्छा। एंड से हाय टू योर फ्रेंड्स, आर यू कैनेडियन और इंडियन? यार मेरी हार्ट फास्ट है और मैं शिवर कर रही हूँ इस टाइम। मैं वाकई में यकीन नहीं हो रहा यार। चलिए से हाय टू योर फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आपके लिए एक मैसेज है, एक मेरी दोस्त है उसके आगे जानने वाले हैं, उनका नाम महक है, शी इज मैरिड, लेकिन वो आपके बहुत बड़ी फैन है, उनके बच्चे भी है, लेकिन वो आपके अपने हस्बैंड को बोलती है आप मेरे हस्बैंड ही हो, इमरान अब्बास मेरे हस्बैंड है। इमरान बताओ क्या चक्कर है? उसके हस्बैंड से आप मुझे क्यों मार करवाना चाहती हैं? वो कहीं मुझे मिलेगा तो पिटाई कर देगा। नहीं नहीं, आप आपके तक कोई पहुंच सकता है? आपके तक हम नहीं पहुंच सके। आप यहाँ पर, आप यहाँ आए थे ना? नहीं, मैं कनाडा नहीं आया था, अमेरिका। वो आप जो अमेरिका आए अवार्ड थे तो मैंने यहाँ पर जो इवेंट करते हैं ना, मैंने सबको बोल कर रखा हुआ, जब भी इमरान अब्बास यहाँ पर आए मुझे मिलवाना उनसे। हुए थे। अच्छा, आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू कम टू व्हिच व्हिच सिटी? टोरंटो। क्या मैं टोरंटो में कनाडा, हूँ? ओके, टोरंटो में। अच्छा, नहीं, एक्चुअली आई वाज कमिंग टू यूएस फॉर दिस अवार्ड्स, हम अवार्ड्स, बट आई चेंज माय प्लान बिकॉज़ आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स इन पाकिस्तान, एंड आई वाज कमिंग टू अनदर अवार्ड इन एलए ऑन द 28th, बट समहाउ आई कुडंट मेक इट एट द सेम टाइम, कि मैं वो भी ना कर सका ये भी, तो मुझे थोड़ा सा कुछ यहाँ कुछ काम निकल आए थे मेरे, बट अदरवाइज मैं शायद उसको नहीं होता, आपके पास ही होता तो मिलते। बट आई कम टू यूएस वेरी वेरी सून, आई हैव अनदर प्रोजेक्ट टू एंड अप इमरान से बोले आई लव हिज ड्रामा, खुदा से डर। मेरे दोस्त बोल रही है उनको आपका खुदा से डर ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। डर खुदा से? ओ सीरियसली, यार ये तो खैर पीपल जो तू चाहे वो कब आएगा। मैं हमेशा उनकी न्यूज देखती हूँ लेकिन जो उर्दू में लिखा आता है वो मुझे समझ ही नहीं आता क्या लिखी है कि क्या हो गया है। हाँ, जो तू चाहे, आई थिंक इट विल बी एयर टुमारो, आई थिंक इट्स ऑलरेडी, आर यू वाचिंग इट एट यूट्यूब और व्हाट? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे, आई थिंक इट विल बी बैक अगेन टुमारो और आफ्टर, होपफुली।
उसमें भी बहुत अच्छे आए हैं जो तू कह रही, बहुत प्यारे लग रहे हैं उसमें भी. नो प्लीज डोंट लाई, नहीं प्यारे लग रहे, आपने बोला डोंट लाई, नहीं प्यारे लग रहे. No, 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 no. जो तू चाहे मैं, I think there's some very strange light. अच्छा मैं बताती हूँ, मैंने जब आपका फर्स्ट ड्रामा देखा था ना नूरुलदीन, वो देखा था मैंने, तो उसके बाद मेरा आपके ऊपर ना, हाँ मेरा क्रश हो गया, तो मुझे रात को ना ड्रीम्स में आप दिखते होते थे. और मैंने आपको ना मैसेज किया था एक दफा, और रात को आपका ड्रीम आया था मुझे. ड्रीम और नाइटमेयर? नहीं, अगर नाइटमेयर तो लवली है. सो व्हाट डू यू डू अमृता, क्या करती हैं? मेकअप आर्टिस्ट. ओके, लेकिन शक्ल से नहीं लग रहा, लेकिन हूँ. No, no, you're beautiful. Generally, मैंने जितने makeup artists को देखा है, they don't wear lots of makeup because they try to make other people look pretty, but they don't work on themselves. But you're naturally beautiful. You don't need any makeup, I guess. Thank you. Poetry भी लिखती हो? सुनाइए. Okay, मैंने ना एक poetry लिखी थी इंडिया और पाकिस्तान के प्यार के ऊपर. सुनाइए हिंदी में. रिलीज करनी थी लेकिन somehow नहीं कर पाई ना. चलिए तो सुनाइए. ऐसे लिखा था, पुराने समय को सोचकर इंडिपेंडेंस देख, इंडिपेंडेंस से पहले का समय ना, तो बुजुर्गों से सुना था, एक जमीन थी हमारी, एक ही आसमान था, एक सा संसार था हमारा, एक तरह का पहरावा था. जो दीवार थी हम लोगों के बीच, वो दीवार थी बस मजहब की. जो अलग हुआ उस दीवार से, वो अपना ही परिवार था. जो नाम दिया दीवार को सरकार ने, वो नाम था बस दुश्मनी का. उस दिन के बाद जो भी पैगाम आया उस पार से, वो पैगाम था बस नफरत का. तो आगे फिर मीडिया के जाने का, वो जरिया था रेडियो टीवी और अखबारों का. वो भी सच की जगह झूठी खबरें बताता रहा, ऐसे ही कर करके वो भी दंगे फसाद करवाता रहा. और आफ्टर दैट लाइक मेरी मेंटेलिटी चेंज हुई जब मैं कनाडा आ गई. यहाँ पर मेरे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं. तो उसको लाइक जब हम इंडिया और पाकिस्तान से बाहर आते हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है. तो उस पर लिखा था कि जब उन मुल्कों के लोग रोजगार ढूंढने पराए मुल्कों में आए थे, अब यहाँ पर आकर उनको ये बात समझ में आई है, लेकिन दीवार पार के लोग लड़ते ना झगड़ते, हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं. काश हम यही मोहब्बत अपने मुल्कों में रहते हुए एक दूसरे से कर पाते, अगर सियासी बातों में ना आते. It was beautiful, although you were disconnected in the middle because there was some call coming, but I got your message, I got what you were trying to say, and so beautiful. And it's not complete, लेकिन जितनी अभी मुझे रिमाइंड थी, क्योंकि मैंने अगस्त में लिखी थी ना. And I appreciate what you have in your mind, and your thoughts are so beautiful. Trust me, I wish everybody, not even in India and Pakistan, सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, they think the same way. And positivity is the key if we want our future, or people who are coming next, and the generations next, to be happy or surviving, even पता नहीं अगर अभी हम negative हो गए तो अगली generation हम देख भी पाएंगे कि नहीं. Settle down as soon as possible, because we have already lost so many lives, and so many so many mothers have lost their sons, so many sisters have lost their brothers, so many brothers have lost their sisters, and so many families have been broken because of this hatred and this animosity. I just pray everything to be positive, happy, good, peaceful. So inevitable to have it now as soon as possible.
सो प्लीज आप ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही सोचती रहिएगा, और अपनी ये जो थॉट्स है, अपनी सोच है ना, इसको और ज्यादा स्प्रेड आउट कीजिएगा, बिकॉज यू नो हम एक रिपल जो होता है ना, वो एक छोटे से कंकर से भी जो होता है ना, एक छोटे से पत्थर से भी वो रिपल क्रिएट होता है, नो दैट। एक समझने की बात होती है, अगर मेरा मैसेज लाइक पांच लोगों तक भी पहुंच पाए, वो पांच लोग आगे पहुंचाएंगे, तो ट्रू बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तो देखें, हम आपने आप दुनिया में ट्रैवल करती हैं, आपने भी देखा, मैं इंडिया भी गया हूँ, मैं बहुत सारे मुल्कों में और भी गया हूँ, और जब हम बाहर मिलते हैं तो हम बिल्कुल हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ से हैं, और हमारी सोच एक जैसी होती है, हमारी मोहब्बतें एक जैसी होती हैं, फिर जब कोई ऐसी भी बात होती है दो देशों के बीच में, तो हम इतने एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को गालियां देते होते हैं, एंड स्पेशली मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी नेगेटिव पार्ट आई थिंक इन इट, सो वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड जनरेशन, लाइक हमारी जनरेशन है वो लाइक होते हैं ना, एक तरफ एक चलते हैं, सभी उसी तरफ चल जाते हैं, लाइक अगर कोई टॉपिक होता है बस टॉपिक पकड़ना है, लाइक बात मुद्दा नहीं पता होएगा क्या होएगा, बस बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा रियलिस्टिक होके हमें देखना पड़ेगा कि असल सच्चाई है क्या। आप किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को टेररिस्ट कहते हैं, किसी को कहते हैं, उसके पीछे पूरा का पूरा क्या, कौन क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। नॉट एवरी Pakistani is a terrorist, not every Indian is a negative person. Her, आप किसी एक की वजह से पूरी ये लिखने से पहले मैंने रात को वीडियोस देखी थी, what does like Pakistani think about Indian, what does Indian think about Pakistani, लोग अच्छा भी बोल रहे थे, बुरा भी बोल रहे थे, उसी बेसिस पर फिर मैंने लिखा। और आप यकीन करें कि इतना हम बींग मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हमने खुद पाकिस्तान में हमने इतना सफर किया है इस टेररिज्म की वजह से, इतनी जिंदगियां हमने खोई हैं, सो उसके पीछे जो भी है, जो भी इसका सारा हिस्ट्री में क्या जाए और क्या बैकग्राउंड में जाए, बट एक आम इंसान ने एक, एक, एक उस हर आम लोगों की जब मैं बात करता हूँ तो इतना अपना कुछ हम गंवा चुके हैं कि हमें अब और नफरत नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब मैं इंडिया में थी मेरी सोच लाइक ऐसे थी जैसे यू नो लाइक आप न्यूज़पेपर या हर एक जगह सुनते हो कि ये हो गया वो हो गया ना, तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं था लाइक बहुत अच्छे होंगे, लाइक जब मैं यहाँ पर आई थी, मैं स्टडी करने आई थी तो कोई नहीं था यहाँ पर, लाइक एक थोड़े दिन कॉलेज नहीं गई तो एक क्लासमेट लड़की थी लाइक वो पाकिस्तान से थी, तो उसने नोटिस किया कि अमृता कॉलेज नहीं आ रही है, तो उसने बोला कि लाइक ऐसा क्या हो गया, उसने मुझे कॉल की कि आओ ना, मैं आई एम लाइक कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं नहीं आ सकती ना, तो मुझे एस्मा अटैक हुआ था, तो शी इज लाइक मैं आ रही हूँ, तो वो मेरी बेसमेंट में आई, तो शी लाइक टुक मी टू द डॉक्टर एंड अपने घर ले गई, तो वहां पर उसके अम्मी लाइक मुझे लाइक खाने बना बना कर दे रहे हैं जब तक मैं ठीक नहीं हुई, एवरी फोर आवर्स मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, आई एम लाइक यार लाइक हिंदू मुस्लिम या ऐसे इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं है, इंसानियत है इंसान में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो इंसान, और यही हमारे रिलीजन का, यही इस्लाम का भी पैगाम है, और यही आपके रिलीजन में भी होगा कि सबसे पहले आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और किसी भी बेगुनाह इंसान की या किसी भी इनोसेंट की जिंदगी जो है वो हम सबके लिए सेक्रेट है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी की जान ले लेंगे फॉर नो राइम और रीजन, जिसका कसूर ही नहीं है, और यही आपके रिलीजन में भी और यही हमारे रिलीजन में भी है, जो बेसिक्स हैं वो तो सारे रिलीजन की अच्छाई ही है, और जो जो गुडनेस है वो तो सबकी एक जैसी है, एक दूसरे से प्यार करना तो सबने सिखाया है, और इस्लाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो जो लोगों के जहन में इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन है कि शायद टेररिस्ट होते हैं मुस्लिम, सब कुछ बिल्कुल गलत है, एंड आई होप कि हम किसी ना किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों को ये बता सकें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कोई हम चाहते हैं, ना हमारे रिलीजन में सब कुछ है, और जो ऐसा कुछ करते हैं वो मुसलमान तो क्या वो इंसान भी नहीं है, जो ये टेररिज्म चलाते हैं, जो जो लोग किसी देश को जान लेते हैं वो मुसलमान, हम वो किसी भी इस्लाम के पैरामीटर्स में वो लोग आते ही नहीं है, वो इंसानियत के पैरामीटर्स में नहीं आते यार, इंसान मुसलमान तो दूर की बात, जो किसी नहीं आ रही पता नहीं अरे चलिए, मेरे ख्याल कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कनेक्शन, लेकिन आवाज कट की है। अच्छा चलिए दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।